नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सड़क पर दिखी इलेक्ट्रिक वैगनार की पहली झलक, लुक में बदलाव। मारुति सुजुकी वैगनार भारत की सबसे पॉपुलर हैचबैक कारों में से एक है। मध्यवर्गीय परिवार से सबसे ज़्यादा वैगनार की डिमांड है। अब जल्द ही वैगनार का नया रूप सामने आने वाला है। नई वैगनार इलेक्ट्रिक से चलेगी, यानी इलेक्ट्रिक वैगनार आने वाली है। दरअसल अब मारुति वैगनार को टोयोटा नए अवतार में पेश करने वाली है। टोयोटा की ब्रांडिंग वाले नए वैगनार आर को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया। इलेक्ट्रिक वैगनार के लुक में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस इलेक्ट्रिक कार को किस नाम से कंपनी पेश करेगी, इसका पता नहीं चल पाया है। कार के टायर पर टोयोटा की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। टोयोटा के कार के एक्सटीरियर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। इसके फ्रंट को पूरी तरह से बदल दिया गया है, जिसमें एक पतली ग्रिल शामिल है जो कि टर्न इंडिकेटर्स के रूप में नज़र आती है। नई टोयोटा में फ्रंट और रियर बम्पर को अपडेट किया गया है। टोयोटा के बेंच वाली मारुति वैगनार कई बार टेस्टिंग के दौरान देखी गई। इसके फ्रंट और रियर लुक मौजूदा वैगनार से बिल्कुल अलग है। टोयोटा की ये वैगनार आर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार होने वाली है। साल 2018 में मारुति सुजुकी ने अपनी वैगनार आर बेंच बैक के 50 प्रोटोकॉल्स बनाए थे। कैसा होगा इंजन? टोयोटा की वैगनार में इंजन को लेकर पता नहीं चल पाया है। मौजूदा वैगनार में दो इंजन ऑप्शन 1.0 लीटर और 1.2 लीटर मिलते हैं। संभव है कि टोयोटा बेंच मॉडल में भी यही सेटअप मिल सकता है। पेट्रोल के अलावा सीएनजी में भी वैगनार उपलब्ध है। मौजूदा वैगनार के 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन 97 BHP और 90 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि 1.2 लीटर इंजन 82 BHP और 113 Nm टॉर्क पैदा करता है। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल के साथ 5-स्पीड AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। बता दें कि मारुति सुजुकी वैगनार पहली बार 18 दिसंबर 1999 में लॉन्च हुई थी। तब से लेकर अब तक कई मारुति की ये इस कार लुक बदल चुका है। पिछले 20 सालों में ये डिमांड बड़ी बनी हुई है। इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 4.40 लाख रुपए है।